आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर, क्योंकि अडानी का मामला दिन पर दिन गहराया जा रहा है और अडानी का जो सवाल शुरू हुआ है, जो पतन शुरू हुआ है, वो कहां पर खत्म होगा कुछ नहीं पता और इसके असरात कहां कहां पर मुरतब होंगे, इसका प्रभाव कहां कहां पर पड़ेगा और किसको किसको ये प्रभावित करेगा ये भी नहीं पता चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे आया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, 6 सदस्यीय यानी 6 रुकनी कमेटी बनाई है ताकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच हो सके। अडानी आपको मालूम है कि दुनिया के दूसरे अमीर तरीन आदमी बन गए थे, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीने में, पिछले 2 महीने में वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए, तीसवें मकाम पर पहुंच गए हैं और ये सिलसिला जारी है। उनकी जो इनकम है उसमें लगातार कमी आ रही है, हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि जिन लोगों का पैसा बाकी है वो वापस कर देंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो पैसे वापस कहां से करेंगे। मोदी सरकार कह रही है कि ऑल इज वेल। जो वजीर खजाना है निर्मला सीतारमन ने अपने बयान में कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप बंद लिफाफे में हमें कुछ नहीं देंगे, सब कुछ ओपन होना चाहिए, सब कुछ खुला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? और अब सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें पूर्व जस्टिस एम ए सप्रे कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कोर्ट ने इस मामले में सेबी को भी गड़बड़ी की जांच का आदेश दिया है कि वो भी इस गड़बड़ी की जांच करे कि आखिर यह मामला है क्या। अचानक इतनी गिरावट किसी की दौलत में कैसे हो सकती है? कहां कहां इसका असर पड़ रहा है कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने का हुक्म दिया है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को सुनवाई के दौरान कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए गठित की जाने वाली समिति में शामिल करने के लिए केंद्र के जरिए जो सुझाए गए एक्सपर्ट के नाम मोहरबंद लिफाफे में दिए जाने वाले स्वीकार नहीं होंगे। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर सरकार के जरिए इस जांच के मामले में कोई नाम आता है और उसको हम शामिल कर लेते हैं तो इससे पारदर्शिता नहीं रहेगी, शफाफियत नहीं रहेगी, लोगों को लगेगा कि आखिर हुकूमत की तरफ से नाम क्यों लिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने नाम क्यों नहीं सुझाए। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम सरकार की तरफ से सुझाए गए नामों को शामिल नहीं करेंगे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जिन 6 लोगों की कमेटी बनाई है वो उनके अपने नाम है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल एक बड़ा ये है, सवाल यह है कि आखिर जब सरकार का अडानी से कोई लेना देना नहीं है और सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है तो फिर सरकार में इतनी बेचैनी क्यों, और अपोजिशन बार बार हमला क्यों कर रहा है, क्यों बार बार इसकी जांच की मांग कर रहा था? यानी कहीं ना कहीं अडानी और सरकार में कोई कनेक्शन है और इसकी भनक अपोजिशन को लगी हुई है। अपोजिशन को लग रहा है कि यह जो खेल है, क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी बार बार 2-3 मित्रों का नाम ले रहे थे, उनमें से सरे फेरिस नाम जो है वो अडानी का था, हर चीज जो है वो अडानी को दी जा रही है। और अब अपोजिशन ने भी कहा है, कांग्रेस ने, कि जब से अडानी की पैसे, अडानी की इनकम कम हुई है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से हिंदुस्तान की सरकारी संपत्तियां बिकना बंद हो गया, अब वो नहीं बिक रही हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन था। अभी यह कहा गया, एक कार्टून आया कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी पर लेकर के आए हैं, आखिर हिंदुस्तान में जो महंगाई बढ़ रही है उस पर ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है कि यह क्यों हो रहा कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर की कीमत जो है वो 50 रुपया ज्यादा फिर हो गई है, जबकि होली है, ये होली का तोहफा दे दिया गया। तो बहरहाल ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है। और इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट ने
कमेटी को अडानी मामले की जांच करने को कहा है। इसके अलावा ऐसे मामलों से निपटने के लिए मजबूत फ्रेमवर्क देने के लिए कहा है। कोर्ट ने साथ ही कमेटी को ऐसे मामलों से निपटने के लिए मजबूत कानूनी उपाय सुझाए जाने की बात कही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बड़ी संजीदगी से लिया है। हालांकि मामला पलटने वाला था, ऐसा लग रहा था कि जैसे हिंडनबर्ग खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि मामला देश का है, देश की संपत्ति का। आपको याद होगा कि बीजेपी ने इस बात को बड़ा जोर शोर से उठाया था कि एक देश का व्यक्ति जब दुनिया में दूसरे नंबर का रईस बन रहा है, तो ये अपोजिशन को, ये विपक्ष को पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है। वो नहीं चाहते कि हमारे देश का कोई आदमी दुनिया का बड़ा रईस बन जाए। लेकिन बात ये नहीं थी, बात यह थी कि घपला और घोटाला कहां हुआ है। और यह बहुत बड़ी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ी संजीदगी से लिया। और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जो बेंच है, उसने पिछली सुनवाई में कहा था कि कोर्ट सरकार के भेजे गए नाम स्वीकार नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले में पारदर्शिता बनाए रखेगी। अदालत ने कहा था कि अगर वो सरकार के सुझाए हुए नाम लेती है तो इसकी निष्पक्षता यानी गैर जानिबदारी जो है वो शक के दायरे में आ जाएगी। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपनी कमेटी बनाई है। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है, और इसके पीछे का जो पूरा सियासी खेल है, मुझे लग रहा है कि वो भी सामने आएगा। और इसमें कौन कौन लोग अभी फंसेंगे, ये शायद इसी रिपोर्ट में खुलने वाला है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये एक बहुत बड़ा फैसला है, और इस फैसले पर अब सबकी नजर टिकी हुई होगी कि आखिर ये जो कमेटी बनी है इसकी रिपोर्ट क्या दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।